नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन कम्युनिटी में। मेरा नाम है नितिन और जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम चर्चा करने वाले हैं, बीते दिन जो लेबर इंस्पेक्टर का पेपर हुआ है उसमें एप्टीट्यूड सेक्शन की हम चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके के प्रश्न थे, क्या उनके सही विकल्प थे और जल्द से जल्द हम कैसे उनका चयन कर सकते थे। तो एक प्रॉपर पूरी एनालिसिस आपको प्रोवाइड करी जाएगी। आइए चालू करते हैं इसे। ठीक है, पहला प्रश्न हमें जो देखने मिल रहा है यहाँ पे वो क्या था, रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन का था। देखिए क्या लिखा, एम और एन जो है इनकी दो संतानें ए और बी। तो ए और बी किनकी संतानें हैं, एम और एन की, यानी कि एम और एन क्या रहे होंगे, एक शादीशुदा जोड़ा, इनकी दो संतानें हुई ए और बी, जिसमें ये बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है कि एक तो पुरुष है एक महिला है। ठीक है, एक पुरुष और दूसरी महिला। अब ध्यान से देखिए, इसके बाद उसने लिखा है एफ जो है स्पाउस है बी का। स्पाउस का अर्थ होता है जीवन साथी। ठीक है, अब यहां पे देखिए एफ किसका जीवन साथी है, बी का, यानी कि अब ये हमें नहीं मालूम है कि यहाँ पे किसी का जेंडर नहीं मालूम है कि कौन लड़का है कौन लड़की है, परंतु ये बी और एफ आपस में जीवन साथी हैं। ठीक है, एक जोड़ा है वो भी। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे कि डी जो है चाइल्ड है एफ का, यानी कि बी और एफ का चाइल्ड कौन है, डी। अब ये लड़का है लड़की ये भी हमें पता नहीं है। आगे लिखता है पी जो है सन इन लॉ है एन का, यानी कि पी जो है एन का दामाद है। अब आप दो मिनट सोच के देखिए यहाँ पे कि एन के लिए दामाद कौन होगा। एन के लिए दामाद वह इंसान होगा, वह पुरुष होगा जो एन की बेटी का पति हो, एन की बेटी का पति हो। अब देखिए यहाँ पे एन की बेटी का पति, हमें तो नहीं मालूम ए है कि बी है, परंतु मुझे ये मालूम है कि बी का तो ऑलरेडी एक जीवन साथी है जो एफ है, तो पी तो हो नहीं सकता। पी को कहीं ना कहीं फिर किसका जीवन साथी बनना पड़ेगा, ए का। ठीक है, क्योंकि बी का तो ऑलरेडी एफ जीवन साथी है, तो पी किसका जीवन साथी हुआ, ए का। और पी जो है एक दामाद है एन का, यानी कि पी जो है वह पुरुष है, तो इसने शादी अवश्य ही लड़की से की होगी, यानी कि ए कहीं ना कहीं एक महिला लड़की रही होंगी। और अब मुझे यह पता चल जाएगा कि ए और बी जो है ये दोनों जो भी एम और एन की संतानें थी, इसमें एक तो महिला थी, ये हो गई वो, और बी क्या रहा होगा, पुरुष रहा होगा। बी क्या रहा होगा, पुरुष रहा होगा, यानी कि मेल रहा होगा। आगे आपसे प्रश्न यही पूछता है, हु इज द मेल चाइल्ड ऑफ एम एन एन। तो आपको पता चल गया कि ए जो है महिला है, तो बी कौन होंगे, पुरुष होंगे। तो पुरुष बच्चा कौन है इनका, यानी कि मेल चाइल्ड कौन है इनका, बी। तो ऑप्शन ए के अंदर बी लिखा हुआ है। देखिए यहां पे गलती नहीं करनी है हमें कि हमने बी देखा कि हाँ बी जो है वह पुरुष है, तो सीधा आगे ऑप्शन बी मार्क कर दिए। नहीं, यहाँ पे उसने मस्ती करी है आपके साथ थोड़ी। क्या मस्ती हुई है कि ऑप्शन ए के अंदर उसने बी छुपा रखा है, तो बी जो बच्चा है वह सही उत्तर है, वही पुरुष बच्चा है इनका। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ ये वाला प्रश्न हम सभी ने सही किया होगा। यहाँ पे आपको जरूर कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है कई बार पेपर में, हड़बड़ाहट में बच्चा यहाँ बी तो निकाल लेता है परंतु यहाँ पे ऑप्शन बी को मार्क कर देता है। ठीक है, बी उत्तर है पर ऑप्शन ए में वह छुपा हुआ। आइए देखते हैं आगे क्या क्या प्रश्न। देखिए ये वाले प्रश्न में काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, काफी सारे बच्चों ने इसका गलत उत्तर चुना है, परंतु ये पेपर के लायक बहुत इजी प्रश्न था। मैं बोल रहा हूं ये 10 सेकंड में करने वाला प्रश्न, मात्र 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। क्यों, पहली बात तो आप समझिए, क्या यह ड्राइंग एक सिमेट्रिक ड्राइंग है? बिल्कुल है। सिमेट्रिक ड्राइंग कौन सी होती है, जिनको आप दो इक्वल भाग में भाग कर सकते हैं। ठीक है, दो इक्वल भाग में भाग कर सकते हैं। यहां से भी आप काटेंगे तो दो आपको इक्वल भाग दिखेंगे, यहां से भी आप इसे काटेंगे तो दो इक्वल भाग दिखेंगे। जब भी आपको ड्राइंग इक्वल भाग में बटने वाली लगे, यानी कि सिमेट्रिक लगे, तो आप हमेशा देखिएगा यहाँ पे जितने आपसे विकल्प पूछे जाएंगे वह इंटू टू में आएंगे, वह इंटू टू में आएंगे, यानी कि एक विकल्प नहीं होगा। एक विकल्प अगर आपको दिख रहा होगा तो उसी का एक उल्टा विकल्प भी होगा, यानी कि उसी का एक जोड़ीदार भी होगा। तो जितने विकल्प मिलेंगे इंटू टू होंगे, इंटू टू होंगे। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। तो हमें यह पता चल जाता है कि अगर इंटू टू विकल्प होंगे तो कहीं ना कहीं तीन तो उत्तर हो ही नहीं सकता है, नौ भी उत्तर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जितने विकल्प मिलेंगे वह आपको इंटू टू फॉर्म में मिलेंगे, यानी कि एक सम संख्या मिलेगी, तीन और नौ हो नहीं सकती। छह और अठारह में हम कैसे चयन करेंगे, ध्यान से देखिए, बहुत आसान था। अठारह यहां उत्तर आएगा, परंतु कैसे, देखिए छह को सभी को दिख रहे हैं यहां पर विकल्प, कैसे दिख रहे हैं सबको, देखिए एक तो ये दिखा, अब देखो इसी का एक उल्टा, यानी कि इस विकल्प का एक उल्टा कैसा दिखेगा, ऐसा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं जब भी ड्राइंग सिमेट्रिक हो आप देखिएगा जोड़ीदार मिलेंगे आपको, इंटू टू में मिलेंगे। अब देखिए ये एक दिख गया था, उसके बाद हमें क्या दिख रहा था, ऐसा कुछ। ठीक है, उसके बाद ठीक है, अब एक इसी का जस्ट विपरीत बनेगा यहां पर। ठीक,
अब देखिए कुछ ज्यादा नहीं सोचना, अगर आपने ऐसा भी कुछ एक बना लिया होगा, ठीक है, ऐसा कुछ, तो इसी का एक उल्टा भी बनता। यहीं से पता चल गया कि 6 से तो अधिक है उत्तर, तो क्या होगा 18। तो आप 10 से 15 सेकंड में यह समझ सकते थे कि इंटू 2 के फॉर्म में होना चाहिए, 3 और 9 गलत है, 6 और 18 में तुक्का भी नहीं लगाना, आपको 6 तो यहीं दिख गई, 6 से जैसे ही अधिक दिखने लगेंगे आप बोल देंगे हाँ 18 होंगी। पेपर में इतना समय जाया नहीं करना है कि पूरी 18 ड्रॉइंग बनाए, परंतु आपके एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे मैं पूरी 18 की ड्रॉइंग बना के आपको दिखाता हूँ। देखिएगा हर ड्रॉइंग अपने में ही इंटू 2 फॉर्म में आएगी, यानी कि जोड़ीदार में आएगी। अगर सबसे आसान ये बनती है तो इसका जोड़ीदार कौन होगा, जो जस्ट इसका उल्टा होगा, ठीक है। इसके बाद और क्या बनेगा, जो अभी हमने बनाया था इस तरीके का कुछ, इसका एक जोड़ीदार कैसे आएगा, जो जस्ट इसका उल्टा होगा। बात बराबर है। इसके बाद और क्या आएगा, ध्यान से देखिए, जोड़ी में आ रहे हैं, जोड़ी में आ रहे हैं, ठीक है। देखिए यहां एक ये बन जाएगा, इसी का एक विपरीत बनेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहां से ऊपर 2 बार था, तो अब मैं यहां से 2 बार ऊपर बनाता हूं, यानी कि ध्यान से देखिए ऐसा, अब एक इसका उल्टा बनेगा। बात बराबर है। तो ये 8 दिख गया आपको, 1 और 2, 3 और उसका उल्टा 4, ये 5 और ये 6, ये 7 और ये 8, ठीक है। अब जो बीच में सीधी रेखा दी हुई है, देखिए उससे भी कितनी सारी चित्र बनेंगे, ये जो बीच में एक सीधी रेखा दी हुई है इनसे भी देखिए अब आप कितनी सारी चित्र बनेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे आसान ये, इसका एक उल्टा कितने हो गए, 9 और 10, ठीक है। और क्या क्या बनेगा ध्यान से देखिए, एक ये बनेगा, एक इसका उल्टा, दिख रहे हैं अब आपको 11 और 12 दिख रही है, सारी चीजें जोड़ी में आएंगी, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। और क्या बनेगा देखिए यहाँ पे ऐसा, कितने हो गए, 13 और 14, बहुत बढ़िया। और क्या बनेगा यहाँ पे चेक करिए, ऐसा कुछ, इसका एक उल्टा बन जाएगा, ठीक है। अब इस तरफ से ऐसा ही बनेगा, दिख गया आपको 14 15 16 17 18, बराबर है। तो हर विकल्प का एक उल्टा है, 9 विकल्प थे कुल और हर के एक एक एक्स्ट्रा, यानी कि उल्टे विकल्प। यहाँ पे आप आराम से उत्तर बता सकते थे, सर 9 विकल्प गुणा 2 से हुई, कितने वेज मिलेंगे, 18, ठीक है। ये मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, पेपर में इतना समय जाया नहीं करनी है कि चलो आ जाओ यार ड्रॉइंग क्लास लगाई हुई है हमने, 18 के 18 बनाएंगे, ठीक है। वो हमें समय बचाना है, ये पूरी 18 की 18 ड्रॉइंग है। अगर आप इसे देखना चाहेंगे, पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, अंडरस्टैंड करना चाहेंगे, तो ये आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या प्रश्न था, इसके आगे ये भी बहुत एक आसान सा प्रश्न है, देखिए यहां पर ये ड्राइंग भी ऊपर आ गई, कोई दिक्कत की बात नहीं, 2 मिनट का समय भी। आइए चलिए, अब देखिए यहां पे क्या लिखा था, यहां पे एक पैटर्न लिखा हुआ था, उस पैटर्न को हमें अंडरस्टैंड करना है, यानी कि L और A लिखा है, L के बाद A लिखा है, तो कहीं ना कहीं ये हमें दिख रहा है कि 2 का अंतर है इसके बीच में। इसके बाद क्या लिखा है, U के बाद J, U यहां पे है, J यहां पे, यानी कि इसके बीच में कितने का अंतर है, 3। Y और I, Y इधर है, I क्या है, यहां पे, तो इसके बीच में कितना अंतर है, 4। तो इसी के आधार पर मैं बता सकता हूं E और G के बीच में कितना अंतर होगा, देखो ये E है, यहाँ पे G है, कितना अंतर है, 5। तो आगे जो भी अब पैटर्न आएगा उसमें कितना अंतर होना चाहिए, 6। यह बात तो मुझे पता चल गई। दूसरी बात, अब देखिए L A के बाद U ही क्यों आया, A के बाद U ही क्यों आया, शायद एक क्रम पहले था इसीलिए आया होगा, ठीक है, ये एक तुक्का है। आगे देखिए कैसे होगा, फिर हम ये बोल सकते हैं यू जे, तो जे के बाद वाई आ रहा है क्यों, हाँ अवश्य। अब आपको पता चल रहा है कि जो भी संख्या पे, जो भी अक्षर पे खत्म हो रहा है उससे एक पहले वाले से नया का शुरुआत हो रहा है। जैसे ए पे खत्म हो रहा तो एक पहले क्या आ रहा था, यू, तो यू से शुरुआत हुई। जे पे खत्म हो रहा था तो जे से एक पहले क्या आया, वाई, तो वाई से शुरुआत हुई। अब ये आई पे खत्म हुआ है तो उससे एक पहले क्या था, ई, ई से शुरुआत हुई। ये जी पे खत्म हुआ है तो जी से एक पहले क्या होगा, क्यू, तो अब ये चीज आएगी, शुरुआत होगी। इसी के आधार पर आप तुरंत बता सकते थे ऑप्शन सी आपका करेक्ट उत्तर, समय आपको बचाना है, आप ये मार्क कर देंगे। अब देखिए क्यू से 6 का अंतर कहाँ है, 2 3 4 5 6, तो क्यू के बाद 6 का अंतर एच,
ठीक है, ये एक सबसे सही विकल्प था यहां पर, तो इसका उत्तर ऑप्शन सी QH रहा होगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला एक प्रश्न आया था, हमसे पूछा गया था, इसमें काफी दुविधा है, ये प्रश्न मेरे ख्याल से वापस होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक अवश्य है। ठीक है, कोई ऐसा मुझे नहीं बता पाएगा कि इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। ठीक है, बिल्कुल है, यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे कुछ कोड्स लिखे थे। ठीक है, ऐसे प्रश्न हमने काफी बार किए हैं क्लास में, और आपसे क्या पूछा गया था, आपसे यह पूछा गया था कि बताइए एनमिटी का क्या कोड होगा। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं एनमिटी सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है हमें। ठीक है, एनमिटी इज नॉट एटर्नल, तो अब हमें मालूम है कि उसका कोड इनमें से कुछ होगा, 7C, 9A, 8B और 3A में से कुछ एक होना चाहिए। अब हम कैसे पता करेंगे, देखिए हम देखते हैं क्या इज और नॉट कहीं लिखा है, तो इज भी यहाँ पे लिखा है पहले वाले में, ठीक है, इज लिखा हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल, और एटर्नल भी लिखा हुआ है, तो दो चीजें जब सेम है तो इन दोनों के कोड भी ऊपर अवश्य रहे होंगे। क्या क्या दिख रहा है आपको कॉमन में 3A, 2B और 7C में से, 3A दिख रहा है, 7C दिख रहा है, 3A दिख रहा है, 7C दिख रहा है, तो अब आपको पता है कि आपका जो एनमिटी होगा वो क्या होगा, 9A होगा या तो 8B होगा। अब आप देखिए क्या नॉट को आप कहीं से पहचान सकते हैं, बिल्कुल, देखिए नॉट नीचे दिया हुआ है, नीचे वाले स्टेटमेंट में, परंतु यहाँ पे दिक्कत क्या हो गई, 8B भी दिया हुआ है और 9A भी दिया हुआ है, इसमें अवश्य ही एक चीज एक्स्ट्रा दे दी गई है इसने, या तो 9A लिखा रहता तो 9A नॉट को दर्शाता और फिर हम बोलते कि हाँ चलो 8B हमारा उचित उत्तर है, परंतु यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था, क्या हो सकता था ध्यान से समझिए, कि नॉट के लिए अगर 8B रहता तो 8B कट गया था और फिर हम क्या बोलते 9A उत्तर होता। तो ये क्वेश्चन थोड़ा दुविधा में आपको डालता है, परंतु मैं आपको ये रूप से बता दूं 9A और 8B दोनों ही उचित उत्तर अभी दिख रहे हैं। आप ये बंटवारा नहीं कर सकते कि एनमिटी 9A होगा कि 8B होगा, इसमें दुविधा अवश्य है। तो यहाँ पे 9A और 8B दोनों ही विकल्प में आप ये नहीं बोल सकते कि सही विकल्प कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ चर्चा अवश्य ही व्यापम की तरफ से कुछ एक्सप्लेनेशन जरूर ही आएगी। ठीक है, परंतु मैं ये मान के चल रहा हूं 9A या 8B में से एक तो हमने जरूर चुना होगा। ठीक है, चलिए, ये पैटर्न कंप्लीशन वाले प्रश्न बहुत आसान होते हैं। ठीक है, ये हम सभी को आने चाहिए। अब अगर इसको मैं देखूं यहां पे तो बहुत आसानी से हम बना लेंगे इसे। ठीक है, बाहर से तो एक ऐसा जाएगा, एक ये वर्ग आया, ठीक है, वर्ग के अंदर भी एक सर्कल है, सर्कल इस अंदर वाले सर्कल के अंदर भी एक वर्ग है। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन आपको ऐसा दिख रहा है, ये बीच में भी एक ये डायगोनल चलते जा रही है, तो ये वाला ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका चयन मेरे ख्याल से हर एक जन ने किया होगा, हर एक छात्र ने किया होगा। आइए देखते हैं नीचे और क्या क्या प्रश्न थे। ठीक है, आइए, अब यहाँ पे क्या पूछा गया हमसे, 8, 27, 125, 343 और 1728, इसमें से हमें क्या चुनना है, वैसी संख्या को चुननी है जो गलत है, यानी कि रॉन्ग है। यहाँ पे भी क्या हुआ है, आप समझने की कोशिश करिएगा, कुछ बच्चों का यहाँ पे डाउट आया था जो हमारे यहाँ से छात्र पढ़े। ठीक है, उन्होंने क्या सोचा है, किसी ने 1728 किया, किसी ने 343 किया। मैं आपको बता रहा हूँ सही विकल्प क्या हो सकता था या ज्यादा मान्यता किसे मिलनी चाहिए। पहली बात तो अगर आप 8 को देखेंगे, 27 को देखेंगे, 125, 343, 1728, तो यह चीख चीख के आपसे क्या कह रहे हैं कि हम घन हैं। हम क्या हैं, घन हैं, क्यूब हैं, किस किस के हैं, देखिए 8 तो आ गया आपका 2 का क्यूब, 27 3 का क्यूब, 125 5 का क्यूब, 343 7 का क्यूब और 1728 12 का क्यूब। अब एक चर्चा का विषय तो ये हो सकता था कि 2 क्यूब, 3 क्यूब, 5 क्यूब, 7 क्यूब और 12 क्यूब, तो कहीं ना कहीं सर इसमें 12 क्यूब गलत होना चाहिए। क्यों गलत होना चाहिए, इसीलिए गलत होना चाहिए क्योंकि 2, 3, 5, 7 क्या है, आपकी अभाज्य संख्याएं हैं, क्या है, प्राइम नंबर है। क्या 12 एक प्राइम नंबर है, नहीं, तो इस श्रृंखला का वो हिस्सा नहीं होना चाहिए क्योंकि इस श्रृंखला में क्या क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 12 नहीं होना चाहिए था। तो 12 का जो घन है वह गलत होना चाहिए, यहाँ पे 11 का घन आना बेहतर एक विकल्प होता। तो 1728 एक गलत उत्तर, यानी कि एक गलत टर्म यहाँ पे है, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। परंतु यहाँ पे छात्रों के मन में एक विषय ये भी आ रहा है कि सर अगर 2 क्यूब है उसके बाद 3 का क्यूब लिखा गया हो तो शायद इसने ऐसा सोचा हो कि यहाँ पे 1 का अंतर है। ठीक है, 3 क्यूब के बाद अगर उसने 5 क्यूब लिखा है तो शायद उसके मन में यह बात हुई कि यहाँ पे अब 2 का अंतर है। ठीक है, अब अगर 5 क्यूब के बाद उसने 7 क्यूब लिखा है तो शायद यहाँ पे ये गलत लिख रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब 3 का अंतर
होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पे 8³ आना चाहिए था। अब देखिए इसको आप कैसे मान्यता दिलाएंगे, अगर यहाँ 8³ होता ठीक है तो यहाँ पे 3 का अंतर जायज था क्योंकि अभी 1 का अंतर था, 2 का अंतर था, अब 3 का अंतर है। अब इसके बाद कहीं ना कहीं आपको 12 का क्यूब दिखता है, यानी कि 4 का अंतर भी जायज दिखता है, यानी कि ये पैटर्न भी आपको सही दिखता। तो कुछ छात्रों ने यहाँ पे 7³ को गलत चुना है, यानी कि 343 को गलत चुना है। अब देखिए यहाँ पे आपके दोनों के पक्ष अपनी अपनी जगह सही हैं, परंतु अगर आप मुझसे पूछेंगे दोनों आपके अपनी जगह आंसर उचित है, परंतु अगर पहले मुझसे पूछेंगे तो जो चीज दिखती है उसे आपको मार्क करना है। चीख बोलने का क्या अर्थ है समझने की कोशिश करिएगा, जो चीज दिखती है अर्थात ये श्रृंखला को यानी कि इस सीरीज को अगर आप देखेंगे तो पहले यह चीख चीख के कह रही है कि मैं घन हूं, मैं क्या हूं घन। तो आपको पहला जो यहाँ पे डिसीजन लेना है वो घन के आधार पर लेना है, और घन का आधार क्या है 2, 3, 5, 7 और 12। तो यहाँ पे अगर घन के आधार पर आप चयन करेंगे तो कहीं ना कहीं एक सही विकल्प, जो यानी कि बेहतर विकल्प मैं कह सकता हूं, वो इसको गलत चुनना होगा, क्योंकि ये घन किन किन के दिख रहे हैं, अभाज्य संख्याओं के। ये दूसरी बात है, ये जब हम और अंदर जाएंगे तो हम क्या चयन कर रहे हैं, एक स्टेप नीचे आके चयन कर रहे हैं कि सर हम तो इसका अंतर दिख रहे थे। तो जो चीज पहले दिख रही है यानी कि वो घन दिख रहे हैं, अभाज्य दिख रहे हैं, तो पहला चयन उसके हिसाब से करना चाहिए। परंतु मैं फिर भी आपसे कह रहा हूं यहाँ पे ये दोनों विकल्प सही होने के पूरे पूरे चांस है, ठीक है। परंतु मैं अगर बेबर में बैठे रहता, मेरे दिमाग में ये चलता तो मैं 1728 मारता। क्यों? क्योंकि पहली चीज जो मुझे दिख रही है वो घन दिख रही है, दूसरी चीज ये दिखेगी कि बताइए ये अंतर कितने कितने के, ठीक है। तो अंतर को मैं कम मान्यता देता हूं, घन को मैं ज्यादा मान्यता दूंगा, ठीक है। तो मेरे को लगता है यहाँ पे दोनों पक्षों के लिए मैंने एक अंडरस्टैंडिंग आपको प्रोवाइड कर दी। चलिए आइए देखते हैं, ये बहुत आसान प्रश्न था, ये हर एक छात्र को करना चाहिए था क्योंकि इतनी तैयारी हम सबकी अच्छी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे यह लिखा है कि अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस, यानी कि इन सारे शब्दों को एक व्यवस्थित रूप से आपको अरेंज करना था। आप सोचिए सबसे पहला काम आप क्या करते हैं, कहीं पे भी जाते हैं तो आप पहले आपकी आगमन होती है, यानी कि आप आते हैं वहां पे, अराइव करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको अगर पता है कि सबसे पहला काम आपका 3 नंबर होना चाहिए तो ऑप्शन ए और ऑप्शन नंबर डी ये तो गलत हो गए क्योंकि ये 5 से चालू हो रहे हैं, ठीक है। आप पहले कहीं पहुंचेंगे, ठीक है, उसके बाद ही तो आप अपना परिचय देंगे, उसके बाद ही तो आप इंट्रोडक्शन देंगे। तो कहीं ना कहीं 3 आना चाहिए सबसे पहले कि आप पहुंचे, उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन दिया तो 3 के बाद 5। इन दोनों ही विकल्प में 3 और 5 है। अब आप देखिए कि 3 और 5 अगर हो गया है, उसके बाद 1 आएगा कि 4 आएगा, 1 आएगा कि 4 आएगा। जो भी समझदार व्यक्ति होगा वह इस बात पे मेरे से बिल्कुल सहमति रखेगा कि कभी भी डिस्कशन यानी कि चर्चा कब होगी, आप गए आपने इंट्रोडक्शन दिया आप अपना नाम बता रहे हैं और उस पर चर्चा होने लगेगी नहीं, आप जाएंगे पहले आपका आगमन होगा, आप वहां पर अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि देखो मैं नितिन हूं, मैं ये फला फला आदमी हूं। उसके बाद आप अपनी यहाँ पे प्रस्तुति देंगे यानी कि प्रेजेंटेशन देंगे, ठीक है। प्रेजेंटेशन के बाद आप से लोग चर्चा कर सकते हैं अवश्य ही, आपसे लोग चर्चा कर सकते हैं अवश्य, परंतु अभी तक आप सिर्फ अपना नाम बता रहे हैं, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें थोड़ी चर्चा होने लगेगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप सबसे पहले आए, आपका अराइवल हुआ, उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद कहीं ना कहीं आपने अपनी प्रस्तुति यानी कि प्रेजेंटेशन दी होगी। तो 3, 5, 1 के तहत हमारा उत्तर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका बेहतर विकल्प है, ठीक है। आपने प्रेजेंटेशन दे दी, उसके बाद कहीं ना कहीं लोग आपसे चर्चा करेंगे कि सर यहाँ पे डाउट है, ये वाली चीज ऐसी हो सकती थी क्या, इस तरीके में क्या है। तो चर्चा हमेशा प्रेजेंटेशन के बाद होती है, इसके बाद 4। परंतु जब आपको 3, 5, 1 में आपको उत्तर मिल गया, आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको वहां पे किसी को स्थित नहीं करना है कि चलिए आइए मैं पूरा करूंगा, मेरे पास समय बहुत है, ठीक है। अब 4 आ गया तो उसके बाद क्या बचा, रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन यानी कि सिफारिश, ठीक है, ये आखिरी में होती है कि बताइए आप, चर्चा भी हो गई, सब कुछ हो गया, फिर मैं आपसे यही कहूंगा चलिए मुझे लगता है आप सभी को अब समझ में आ गया होगा तो हमारे चैनल से जुड़िए, ये वाली सारी बात है, ठीक है। तो आखिरी में हमेशा रिकमेंडेशन होती है। तो ये बहुत ही एक आसान सा यहाँ पे उत्तर बनता था हमारे लिए, चलिए ठीक है आइए देखिए। ये कोड लैंग्वेज भी हम सभी से बननी चाहिए थी, बहुत आसान थी। देखिए क्या प्रश्न है यहाँ पे, चेक करिए। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कंप्यूटर, इंग्लिश वाले पेपर में यहाँ पे टी लिखना वहां भूल गया था, हिंदी में कंप्यूटर पूरा लिखा हुआ है। तो ये भी एक आध बच्चे ने मुझसे बात पूछी। देखिए मेरे सेशन में मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको बताते रहता हूँ चीजें, क्योंकि मुझे लगता है छात्र दोनों प्रकार के हैं। पूरा हिंदी में करना भी मेरे को लगता है उचित नहीं होगा, और पूरी तरीके से इंग्लिश भी करना उचित नहीं होगा।
दोनों तरफ के छात्र हैं, इसीलिए मैं दोनों तरफ में आपको समझाने की यहाँ पे पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। चलिए देखिए कंप्यूटर को वो क्या लिख रहा है, यहाँ पे बना देते CUMPUTER, ठीक है। कंप्यूटर को इसने लिखा RFUV QNPC। अब देखिए एक चीज तो हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से दिख रही है, अगर ये C से शुरुआत हो रही है और R पे खत्म हो रहा है तो इसका कोड उल्टा कर रहा है, यानी कि R से शुरुआत कर रहा है और C पे खत्म हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो भी समझदार बच्चा होगा वो इतना तो देख सकता था यहाँ पे कि अगर ये M से शुरुआत हो रही है, E पे खत्म हो रहा है, तो मेरा आंसर जो आएगा वह उल्टा होगा, यानी कि E से शुरुआत और M पे खत्म। ऑप्शन ए तो वैसे भी गलत था और ऑप्शन सी वैसे भी गलत था, ठीक है। बचा क्या बी और डी। देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपको फिर 50% प्रोबेबिलिटी, अगर तुक्का मारना भी है तो तुक्का आपको समझदारी से मारना है, कभी भी हवा में तुक्के नहीं मारने। अब देखिए यहाँ पे सही कैसे हम कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आप देखिए ओ का क्या वर्ड होता है, ओ का नंबर होता है 15, एम का क्या होता है 13, पी का कितना होता है 16, यू कितना हो जाएगा आपका 21, बीस कितना हो जाएगा टी, ई कितना हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पे एफ कितना है 6, U कितना है 21, V कितना है 22, Q कितना होता है 17, N कितना होता है 14 और P होता है 16। अब आप देखिए यहाँ पे 15 था, यहाँ आपको 16 मिला, यानी कि यहाँ पे +1 हो गया, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे M था 13 और यहाँ पे 14 था, ये भी क्या हुआ +1 हो गया, ठीक है। सब क्या हो रहे हैं +1 हो रहे हैं। पी 16 था, यहाँ पे 17 हो गया +1, ये भी हो गया। यू यहाँ 21 था, यहाँ 22 हो गया, ये भी +1 हो गया। टी यहाँ पे 20 था और यहां आके 21 हो गया, ये भी +1 हो गया। ई यहां पे 5 था, यहां एफ आके बन गया वो +1 हो गया। तो सारी चीज इस तरीके से डायगनली जा रही थी और कितनी हो रही थी +1 हो रही थी, कितनी हो रही थी +1 हो रही थी, कितनी हो रही थी +1, ठीक है। तो आपको भी इसी तरीके से आपका उत्तर चिन्हना था यहां पे। अगर मेडिसिन की मैं बात करूं तो ध्यान से देखिएगा यहां पे MEDICINE, ठीक है। तो पहली बात तो E से ये चालू होगा, उल्टा हो जाएगा और M पे खत्म होगा। अब ध्यान से देखिए कैसे आपको सही उत्तर तक आना था। E कितना होता है, E होता है 5, ठीक है। तो E अगर 5 है तो यहाँ पे क्या आएगा F, यानी कि 6। यहाँ पे D है, कितना होता है 4, तो यहाँ पे कितना आएगा E, 5, ठीक है। आपको देखना है आखिरी में ई एफ एम कहाँ पे है, आपको देखना है। देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है, आखिर में आपको क्या मिल गया ई एफ एम। अब जब इतनी देर में आपको आपका उचित उत्तर मिल गया है तो पूरा समय क्यों जाया करना है दोस्त, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या है आई, यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्या है सी यानी कि 3, यहाँ पे क्या आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है आई यानी कि 9, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है 14, यहाँ पे क्या है। आप देखिए पूरा उत्तर तो आप हमेशा निकाल लेंगे, जब आप अभ्यास करते हैं आप पूरा निकालिए, परंतु जब आप पेपर में चीजों को कर रहे हैं तो जितना जल्द से जल्द आप काम कर सकते हैं उतना आपके लिए और सभी के लिए अच्छा होगा, ठीक है। चलिए आइए देखिए और कुछ प्रश्न था यहाँ पे। हाँ जी बिल्कुल, ये वाला प्रश्न भी एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न था, ठीक है। काफी सारे बच्चों में ने इसको सही भी चुना है, पर किसी एक गलत सोच के तहत अगर आपकी चीजें सही होती हैं तो देखिए तब के तब तो आप खुशियां मना सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, परंतु सही चीज जान लेंगे तो आपके लिए बेहतर ज्यादा होगा, ठीक है। देखिए इसके बहुत सारे तरीके हैं, आप पहली बात तो अप्रोक्सीमेशन अगर आप बहुत अच्छी समझते हैं, गणित में आपका हाथ ठीक ठाक भी है, तो आप इसको सही चुन लेंगे अप्रोक्सीमेशन के आधार पर। दूसरी चीज क्या होती है कि यार देखो ये तो सब क्रमागत संख्याएं हैं, कॉन्जिक्यूटिव सम नंबर है, 96, 95, 97, 95, 96, 97, 96, 97, 98, तो ये सारे क्रमागत है, तो सब कोई आपको क्या बोलेंगे आसानी से टरकाने के लिए कि यार एक काम करो ना 95 को मान लो तुम 2, ठीक है 96 को मान लो तुम उसके बाद की क्रमागत संख्या 3, इसी तरीके 97 को मान लो तुम 4 और 98 को मान लो तुम 5 और फिर कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। देखिए ये एक महज एक ये भी आपको अप्रोक्सीमेशन की तरफ ही लेके जा रहा है, परंतु क्या ये सही चीज़ है, ये सही नहीं है। सही तरीका इसमें आपको गणित बताएगी, कैसे बताएगी आइए समझते हैं, ठीक है। आंसर आपका इससे भी आ जाएगा, मैं नहीं मना कर रहा हूँ, आंसर इसका इससे भी आ जाएगा। अगर सही तरीका आप समझना चाहते हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या क्या संख्याएं दी हुई। पी क्यू आर, आर आपका दिया हुआ था 1/97, ठीक है। पी आपका दिया हुआ है 96, 95, 97, ठीक है। आपका क्यू कितना दिया हुआ था 97, 96 और 98, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे कैसे काम करना है, कहीं ना कहीं इसको चर्चा करने से पहले आपको
छोटी सी बात, ये हम सभी को पता रहती है, जब भी हम भिन्न पढ़ते हैं तब ये भी हमें पता रहता है कि अगर मैं लिख दूं 1/2 और 1/3 तो इसमें से छोटा कौन सा होगा और बड़ा कौन सा होगा। तो आप बोलेंगे सर जिसके हर में, जिसके डिनोमिनेटर में जितनी छोटी संख्या उसकी वैल्यू उतनी ही बड़ी, तो 1/2 ज्यादा बड़ा होगा और 1/3 छोटा होगा। क्यों? क्योंकि 2 छोटा है और वो हर में, यहाँ 3 बड़ा है और वो हर में, तो जितनी बड़ी संख्या होगी हर में उतनी ही छोटी इसकी वैल्यू होगी, परंतु जितनी छोटी संख्या होगी हर में उतनी बड़ी इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो आपको अगर देखना है प्रतिशत से भी तो ये 50% होता है, ये 33.33 होता है। ठीक है, तो आप जो भी बात आपसे कही जा रही है वह बिल्कुल मान्य है। ठीक है, आइए चेक करते हैं। अब यहां पे क्या करना है हमें, देखिए इस 96 को जो अंश में है उसको हम हर के हर में ला सकते हैं, क्योंकि हमें सभी को पता होता है 1/2 लिख दूं, यानी कि जो हर के भी हर में होता है वह क्या बन जाता है आपका, न्यूमरेटर यानी कि अंश। तो इसी को अगर मैं रिवर्स लिखना चाहूं तो आप देखिए इस 96 को मैं इधर लिख सकता हूं हर के हर में, तो ये कैसा दिखेगा आप ध्यान से देखिए, ऊपर 1 दिखेगा और नीचे कैसा दिखेगा, ऊपर 1 नीचे कैसा दिखेगा, 95, 97/96। अब ध्यान से देखिए यहां पे आपका काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा, 95 और 97 ये क्या है, 96 - 1 × 96 + 1। ठीक है, ये क्या है, 96 - 1 × 96 + 1। ठीक है, सभी को 96 के टर्म्स में मैं लिख रहा हूं, तो क्या होगा, a - b × a + b, a - b × a + b क्या होता है, a² - b², तो ऊपर क्या हो जाएगा हमें 96² - 1, 1/96² - 1। ठीक है, अब यहां पे क्या आया बटे में 96। ठीक है, यहां पे हमने क्या प्रॉपर्टी लगाई, बहुत आसान प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखिए, ये हम सब सिंप्लीफिकेशन पढ़ते हैं, a - b × a + b क्या होता है, हम सभी को पता है a² - b² होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं 95 और 97 लिखा था, तो मैंने इसे 96 के तरीके से देखा, यानी कि 96 - 1 = 96 + 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 96 - 1 = 96 + 1, a - b, a + b, तो ये कितना होना चाहिए, 96² - 1², तो उसको हम 1 ही लिखते हैं। अब यहाँ पे वापस आइए, ठीक है, अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये चीज कितनी हुई, 1/96² / 96, 96 ही रहेगा, -1/96। कुछ नहीं करना है, बस समझने की कोशिश करिए, क्योंकि सही तरीका देखिए अब आपको पता होगा तो आगे आप भी अपने दोस्त यारों को अच्छी मदद कर पाएंगे, और अब कभी और पेपर में प्रश्न इसी तरीके के क्रमागत संख्याएं आ गई तो आपको चुनने में आसानी होगी। देखिए ये वैल्यू क्या हुई, 1/96 - 1/96। अब 1/96 बेचारे के बारे में अगर आप सोचेंगे तो ये तो बहुत छोटी संख्या है, न के बराबर संख्या है, 0.01 तरीके की कुछ संख्या है, तो 1/96 में से 0.00 कुछ चला भी गया तो ये कितना बचेगा, 96 से थोड़ा छोटा, तो ये कितना बचेगा, 1/96 में से थोड़ा छोटा, यानी कि 95 point something। उसी के आधार पर अगर यहां 96 लिखा था तो मुझे दिखाने को यहां पे आसानी हो रही है कि इसको जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1/95 point something मिलेगा, यहां पे जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/96 point something, यानी कि 97 में से थोड़ा छोटा, यहां 96 था तो 96 से थोड़ा छोटा मिल रहा था, यहां 97 है तो 97 से थोड़ा छोटा, यानी कि 90.96 point something मिला, और यहां तो आपको दिया ही हुआ था स्पष्ट रूप से 1/97। अब आप चयन करिए कि इसकी वैल्यू आ रही है 1/95 point something, इसकी वैल्यू आ रही है 1/96 point something, और इसकी वैल्यू आ रही है 1/97। सबसे बड़ा हर कहां पे है, 95, 96, 97 में सबसे बड़ा कहां है, ये है, तो अगर हर सबसे बड़ा है तो यह संख्या सबसे छोटी हुई। सबसे छोटा हर कहां पे है, सबसे छोटा हर सर जी 95 है, तो सबसे छोटा हर यहां पे है तो सबसे बड़ी वैल्यू इसकी हुई। ठीक है, कहीं ना कहीं पी और क्यू, पी और आर के बीच में 96 रहेगा, यानी कि 95 और 97 के बीच में क्या रहेगा, 96। तो यहां आपके लिए सबसे सही विकल्प था पी सबसे बड़ा हुआ, फिर क्यू, फिर आर। देखिए तरीके बहुत हैं, आप जो अपनाना चाहेंगे अच्छी बात है, परंतु एक सही जो यहाँ पे तरीका है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये आपकी लर्निंग के लिए भी काम आएगा। यहाँ पे आपने अप्लाई किया तो उसी के आधार पर अब आगे 5 और संख्याएं दी रहती तो आप आराम से यहाँ पे चयन कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती। ठीक है, ये बहुत ही एक मजेदार कॉन्सेप्ट है, सिंप्लीफिकेशन में ऐसी चीजें हम अपने क्लास में पढ़ते रहते हैं।
आइए चेक करते हैं और प्रश्नों को। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम फॉर 3 इयर्स एट 5% पर एनम इज 122, फाइंड द सम। देखिए फॉर्मूले वगैरह तो यहां लगाने से अच्छा है कि अगर हम यहाँ पे कुछ थोड़ी सी समझदारी से काम करें तो हमारा उत्तर अवश्य आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों लगाने की बात कर रहे हैं। जो मेथड से हमने क्लास में पढ़ा हुआ है मैं उस मेथड से बताता हूँ, बहुत ही आराम से वह मेथड आपको समझने आएगा अगर आप उस पर अभ्यास करेंगे तो, क्योंकि देखिए फॉर्मूले से बच्चों को पढ़ाना मुझे ज्यादा भाता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए कुछ तो एक प्रिंसिपल अमाउंट है यानी कि कुछ एक राशि है जिस राशि पे 3 साल का अगर हम चक्रवर्ती ब्याज लगाएं और साधारण ब्याज लगाएं तो कहीं ना कहीं उनका अंतर आता है 122 रुपए, ठीक है। अब देखिए यहां पे मैं मान लेता हूं वह राशि कितनी है, 5% दी है। 5% किस चीज को दर्शाता है, 5% दर्शाता है 5/100, तो 5/100 मतलब 1/20, ठीक है, यह बात स्पष्ट है। आइए इसको एक अच्छे से पन्ने में आपको समझा, 5% क्या दर्शाता है, 5% आपको दर्शाता है 1/20। अब आप देखिए अगर 1/20 दर्शाता है, कहीं ना कहीं 3 साल की चर्चा हो रही है यहां पे, कहीं ना कहीं 3 वर्षों की चर्चा हो रही है यहां पे। अगर 3 वर्षों की चर्चा हो रही है तो मुझे मालूम है 3 बार मुझे ब्याज निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये मान लीजिए फर्स्ट ईयर, ये आप मान लीजिए सेकेंड ईयर, ये मान लीजिए आप थर्ड ईयर, ठीक है। अब देखिए 3 बार कहीं ना कहीं मुझे काम करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूं ना इस 20 की पावर 3 ले लेता हूं, 20 की पावर 3 ले लेता हूं। अब ये मैंने क्लास में मेथड बहुत अच्छे समझाया हुआ है, आप अभी समझने के लिए ये देखिए कि जितनी यहां पे बेस है उसकी पावर उतने ले लेता हूं जितने साल की चर्चा है। 3 साल की है तो मैं 3 ले रहा हूं, 2 साल की रहती तो मैं 2 लेता हूं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैंने मान लिया कि 20 की पावर 3 कितना होगा, 8000 यूनिट मेरा राशि है, 8000 यूनिट मेरी राशि है। अब देखिए काम कितना आसान हो जाएगा, 8000 यूनिट पे 5% ब्याज लगेगा पहले साल, 5% यानी कि 1/20, तो 8000 का 1/20 कितना होगा, 8000 का 1/20 बहुत आसानी से हम निकाल लेंगे, देखिए कैसे आएगा 400, ठीक है 400। अब हम सभी को पता है साधारण ब्याज हर साल सेम होता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं 400 यहां भी लगा होगा, 400 यहां भी लगा होगा, 400 यूनिट लगा होगा, तो कुल मिला के 3 साल में साधारण ब्याज कितना लग गया, 1200 यूनिट, 400 400 400। चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, पहले साल जितना ब्याज लगा उस पर अगले साल भी ब्याज लगेगा, यानी कि यहाँ पे भी 5% लगेगा, 5% यानी कि 1/20, तो 400 का 1/20 कितना होगा, 20, 400 का 1/20 कितना होगा, 20, ठीक है। अब आप देखिए ये वाले दूसरे साल के भी ब्याज पे ब्याज लगा होगा यहाँ पे, ठीक, कितना होगा ये 20, कहीं ना कहीं पहले साल का जो ब्याज था वह भी तीसरे साल में आपको दिखेगा, ये कितना लगा होगा 20। अब दूसरे साल जो ब्याज ये वाला था 20 रुपए, इस पे भी 5% लगा होगा यानी कि 1/20, तो ये कितना होगा 20 का 1/20 21, ठीक है। तो कुल मिला के आप देखेंगे तो चक्रवर्ती ब्याज कितना आ रहा है, 400 400 400 जमा 20 20 और 20 और 1 यानी कि 1261 यूनिट। अंतर कितना हुआ उनके बीच में, 61 यूनिट का कितना अंतर हुआ, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया, कितने साल का, 3 साल का। देखिए तो यहां पे अब आपको पता है कि इनका अंतर कितना आ गया, CI माइनस SI आपका आ गया 61 यूनिट। तो अगर 61 यूनिट बराबर आपको दे रखा है यहां पे कितना, 122 रुपए है, 61 यूनिट अगर आपको दे रखा है यहां पे कि 122 रुपए है, तो कहीं ना कहीं आपको पता चल गया कि 1 यूनिट की कीमत कितनी है, 2 रुपए, 1 यूनिट की कीमत कितनी है, 2 रुपए। तो कहीं ना कहीं जो आपने शुरू में मूल राशि यानी कि प्रिंसिपल 8000 यूनिट माना था वह एक्चुअली में कितना होगा, 8000 × 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 रुपए, यह राशि कितनी आ जाएगी, 16000 रुपए आ जाएगी, ये राशि कितनी आ जाएगी, 16000 रुपए आ जाएगी। ये एक बेहतर विकल्प है, मुझे लगता है कि ज्यादा फॉर्मूले पढ़ने से आदमी भूल जाता है, इंसान भूल जाता है, तरीका अगर हम समझेंगे इसको। मैं फिर कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास अगर यूट्यूब में जल्द से जल्द अपलोड करूंगा तो ये चीजें आपको ज्यादा बेहतर समझने तरीके से समझने आएगी। अभी हम कुछ पेपर की चर्चा कर रहे हैं तो उस बीच में मैं आपको बहुत ज्यादा समझा नहीं पाऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से लाया है, कैसे किया है, ठीक है, परंतु ये सबसे आसान विकल्प है। अब देखिए जो हमारे यहाँ के छात्र हैं उन्होंने 5 सेकंड भी नहीं लगाया इसको बनाने में, ये तो मैंने बस आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बता दिया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका उत्तर आएगा 16। जो हमारे यहाँ का छात्र है ना उसने कैसे किया मैं आपको बताता हूँ, समझने की कोशिश की, उसने देखा 5%, यानी कि 1/20,
उसकी आंखें ही खुल गई 5/1/20 देखी। अब उसको मालूम है कि जो भी वह निर्धारित राशि रही होगी, ठीक है, वह किस फॉर्म में रही होगी, 20^3 यानी कि 8000 के मल्टीपल में रही होगी। अब आप देखिए 8000 का ये मल्टीपल नहीं है, 8000 का ये मल्टीपल नहीं है, 8000 का ये मल्टीपल नहीं है, सिर्फ ऑप्शन भी है। तो उन बच्चों ने तो ये बनाया भी नहीं है, सीधा ऑप्शन भी 16005 सेकंड में मार्क कर दिया है, ठीक है। तो वह आपको चुनना है कि आप कैसे उसको अप्रोच करते हैं, क्योंकि हर चीज के पीछे लॉजिक है। जब आप उस लॉजिक पे बहुत अभ्यास करते रहते हैं तो आपको शॉर्टकट्स इतने आसान लगते हैं कि आपके प्रश्न मुश्किल से 15-20 सेकंड भी नहीं लेते, ठीक है। तो कैसे निकालना है वो भी बताया, शॉर्टकट क्या था वह भी मैंने आपसे साझा किया। चलिए आप ये देखिए ये वाले प्रश्न को, इस प्रश्न को कुछ छात्रों ने थोड़ा सा गलत ऐसे किया है कि किसी ने ऑप्शन सी भी इसको मार्क किया। देखिए आपको देखना है यहां पे बहुत आसानी से, यहां पे आपका उत्तर था या चलिए आइए देखिए, ये वाली आकृति आपको पहचाननी थी किसमें है, कई छात्रों को यहां पे दिख रही है, ठीक है, ये आपको दिखाई जा रही है, परंतु आप देखिए ये कितना चौड़ा है और ये कैसा है, ये कुपोषित हो रखा है, इसे क्या हो रखा है, कुपोषित हो रखा है, ठीक है। तो ये वाला सही विकल्प नहीं है, जब आपको चौड़ा इंसान दिखाया जा रहा है यहाँ पतला इंसान दिखा दे रहे हैं, क्या मतलब, ठीक है, जैसा इंसान दिखाया जाए वैसे का वैसा ही दिखना चाहिए। तो सर कहाँ दिखेगा, आप देखिए ये है, ये आया ऐसे, चौड़ा इंसान, चौड़ा इंसान बेहतर विकल्प ऑप्शन नंबर ए था, बेहतर विकल्प ऑप्शन नंबर ए था, ठीक है। आइए और प्रश्न देखते हैं क्या क्या प्रश्न, देखिए ये वाले प्रश्न तो हमने एज इट इज क्लास में भी कर रखे हैं, जब हम दशमलव प्रणाली पढ़ रहे थे छात्रों के साथ, तो ये वाली चीजें हमने बहुत आसानी से कर रखी थी, तो कई लोगों को ये रटाई हुई चीज थी वैल्यू की, भाई चलिए ये तो इसका विकल्प सही होगा, ये प्रीवियस ईयर में भी व्यापम कई बार दो बार और पूछ चुका है, ठीक है। तो हम अपनी क्लास में अमूमन प्रीवियस ईयर के बहुत प्रश्न लगाते रहते हैं, तो काफी हेल्प हमारी इस चक्कर में हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, व्हाट डेसिमल ऑफ एन आवर इज अ सेकंड, यानी कि आपसे ये पूछा है कि एक घंटे का एक सेकंड जो है एक घंटे का कितना हिस्सा है, तो बात किसकी हो रही है, सेकंड की, कितनी, एक सेकंड की, और इसकी तुलना किससे की जा रही है, घंटे से। अब आपको पता है एक घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं, ठीक है, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक घंटे में 60 × 60 सेकंड हो गए, कितने हो गए, 3600, 3600। तो 1/3600 का मान आपसे यह पूछ रहा था, 1/3600 का मान आपसे यह पूछ रहा था, ये बहुत आसान है। देखिए 1/3600 ये दशमलव प्रणाली में सब हमने पढ़ा हुआ है, ये मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार फिर बना देता हूं। आप देखिए 1/3600 यानी कि आपको कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज करनी है, पर एक को कहां 3600 से भागते फिरेंगे, है ना, तो हम क्या करते हैं उधार ले लेते हैं, 40 यहां से उधार ले लिए, 3600 को 10000 से तो काटने में कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, 1000 से काटूंगा तो भी अंश आपका हर बड़ा है, काटने में कटेगा नहीं, 10000 लेंगे तो कुछ तो कटेगा, यानी कि इसे 10000 बनाने के लिए हमने क्या किया, 4 उधार में ले लिए 0। तो अभी तो हम अपनी आसानी के लिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, परंतु जब हम अपना आंसर लिखेंगे तो हम इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे कि ये जो 4 हमने उधारी में लिए हैं वह बाद में कंपनसेट करने हैं, यानी कि उसको सुधारना फिर से पड़ेगा। अब देखिए अब आसान हो गया आपका कैलकुलेशन, 2 0 से 0 कट गए, तो 100/36 ये तो हम काम अब आसानी से कर सकते हैं, 100/36 36 × 2 = 72 कितना बचा, 28 28 कटेगा क्या 36 से, नहीं, बिंदु लगा दो, क्या आएगा यहाँ पे 280 36 × 30 = 7 = 210 6 × 7 = 42 252, ठीक है। अब देखो फिर से 28 बच रहा है, यानी कि अब ये 28 बचते हुए जाएगा, 280 बनेगा, फिर 252 कटेगा, फिर ये 280 बनेगा, फिर 252 कटेगा, फिर 28 बचेगा, फिर 280, इस तरीके से चलता है, यानी कि 2.777 यहां पे आपको मिलेगा, 7 खत्म नहीं होगा। अब देखिए इस चीज की वैल्यू कितनी आई आपकी, आई 2.7 और ये चलते रहेगा। आपको मालूम है कि आपका यह उत्तर हो नहीं सकता, ये तो हमने अपनी काम की आसानी के लिए यहाँ पे 40 लगाए थे, 40 उधार लिए थे। अब जब मैं इसे चुकाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बिंदु को 4 स्थान आगे लेकर जाना पड़ेगा बाई तरफ, तो देखिए अब ये कैसा दिखेगा, ठीक है, 2.7 ये बिंदु अब 1 स्थान
दो स्थान, तीन स्थान, चार स्थान आगे आ जाएगा, एक दो तीन चार, यहां पे यह बिंदु अब आपको कहीं ना कहीं दिखने लगेगा। ये बिंदु कहां दिखेगा? यहां पे। अब जो ये खाली स्थान बचते हैं तो यहां पे क्या आ जाएगा? जीरो जीरो जीरो। तो आपका उत्तर कैसा दिखेगा? बिंदु जीरो 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 टू सेवन, और सेवन चलते रहेगा, खत्म नहीं होगा, इस तरीके से चलते रहेगा। तो आपका उत्तर क्या हुआ? पॉइंट के बाद तीन शून्य दो सात, पॉइंट के बाद तीन शून्य, एक दो तीन दो सात, और ये सात चलते रहेगा। यहां पे इसने दिया नहीं है परंतु वह चलते रहेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अब देखते हैं व्हाट नंबर कम्स इनसाइड द सर्कल, यानी कि ये जो प्रश्न चिन्ह बना है यहां पे क्या विकल्प आएगा। देखिए कुछ लोगों ने यहाँ तुक्के लगाए हैं, ठीक है, तुक्के कैसे लगाए हैं, उन्होंने हर चीज को जोड़ के देखा है। जैसे ये 9 आ गई, वो 15 आ गया, 24 आ गया, 24 आ गया, 12 आ गया, तो लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना एक हम ऐसा काम करते हैं कि सारी जो भी वैल्यू आ रही है वह तीन के गुणा में आ रही है, ठीक है, वह तीन के गुणा में आ रही है। तो उन्होंने क्या किया, 9 3 12 है, तो 12 में आप ऐसा क्या जोड़ेंगे जो आपका तीन का गुणा बन जाएगा। देखिए ये तरीका सही नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ ये तरीका सही नहीं है, मैं बता रहा हूँ बच्चों की सोच कैसे। तो उन्होंने सोचा 5 जोड़ेंगे 17 बनेगा, 1 जोड़ेंगे 13 बनेगा, 3 से भाग होगा नहीं, 6 को जोड़ देते हैं तो 18 बन जाएगा। तो 18 तो चलो तुक्के में बन रहा है और 6 आपका सही विकल्प है भी, परंतु बच्चों ने ये नहीं सोचा कि यार 12 में 9 जोड़ेंगे तो 21 तो यहां भी बनेगा, 3 से तो भाग ये भी हो जाएगा, तो 9 और 6 दोनों हो सकते थे उस सोच के तहत। परंतु यहां सही सोच क्या थी, आप देखिए ये ड्रॉइंग आपको कैसी दिख रही है, सिमेट्रिक दिख रही है, यानी कि इसके से आप काटेंगे तो दोनों भाग सेम दिख रहे हैं। हर ड्राइंग कुछ कहती है, आपको बस उसको सुनना है। देखिए तो अगर ये बीच की रेखा है तो आप क्या देख रहे हैं, यहां 4 है यहां 2 है, 4 और 2 का जोड़ कितना होता है 6, बटे 2 कर दीजिए, आधा कर दीजिए, क्योंकि बीच की चीज निकाल रहे हैं, तो ये क्या आएगा 3। अब आप देखिए कि यहां पे 3 मिल रहा है, बिल्कुल यहां 5 है, 5 और 3 को जोड़ लीजिए जो इसके इस तरफ है 8, 8 और 2 10, 10 को आधा कर लीजिए, क्यों, क्योंकि आप बीच की संख्या निकाल रहे हैं, क्या आएगा 5। तो अब आपको पता चल गया कि ये जो बीच रेखा बनेगी उसके दाईं और बाईं तरफ जितनी भी संख्याएं हैं सबको जोड़ दीजिए, बटा 2 कर दीजिए, आधा कर दीजिए। अगर आपको देखना है 7 2 कितने हो गए 9, 9 4 13 3 16, 16 बटे 2 कितना होता है 8, यहां पे आपको 8 दिख रहा है, तो यहां क्या होगा 9 3 12, 12 बटे 2 6, तो यहां पे 6 आएगा। और सही सोच इस तरीके की रहनी चाहिए थी। यहां से कई जन का आंसर सही हुआ है, अवश्य ही हुआ है, अच्छी बात है, मार्क्स हमें मिले हैं, परंतु ये सोच हमें रखनी है कि ड्राइंग कुछ कहती है, ड्राइंग की आकृति खुद में कुछ कहती है, उसको समझेंगे तो बहुत सारे पजल के प्रश्न हमसे आसानी से बन जाएंगे। आइए देखते हैं और क्या प्रश्न थे। एक प्रश्न ये लिखा है, तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या का 4 गुना है और तीसरी संख्या की 3 गुना है, यानी कि थ्री नंबर्स, द फर्स्ट इज 4 टाइम्स द सेकंड एंड 3 टाइम्स द थर्ड, यानी कि पहला नंबर ए, दूसरा नंबर बी और तीसरा नंबर सी, ठीक है। अब यहां पे देखिए, अगर ये एक्स है तो इसे कहा जा रहा है कि इसका 4 गुना है, तो ये 4x है, ठीक है। अब अगर सी वाई है तो यहां पे क्या कहा जा रहा है कि इसका 3 गुना, तीसरे वाले का 3 गुना है पहला वाला नंबर, यानी कि ये 3y है, ठीक बात है, कोई अभी तक हमें आपत्ति नहीं है। अब आप समझिए यहां पे कि हम इसे काम कैसे कर सकते थे, ठीक। आप या तो इसे अनुपात से कर लीजिए, अनुपात से भी यह चीज आराम से सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, और अगर आप चाहें तो यहां थोड़ी सी आप दिमाग लगाएंगे तो चीजें ऐसे बनेंगी कि अब आपको पता चल रहा है फाइंड द थर्ड नंबर, यानी कि हमें y पता करना है, तो हम सारी चीजों को y के तरीके से देखेंगे, a को भी 3y लिखेंगे, c को भी y लिखेंगे, परंतु इस x को, b को क्या लिखेंगे, देखिए कहीं ना कहीं मुझे ये मालूम है कि 4x और 3y एक ही नंबर a को दर्शाता है, तो 4x कितना हो गया 3y के बराबर, x कितना होगा 3/4। अब आप देखिए ये कितना आ गया 3/4, कहीं ना कहीं इन तीन संख्याओं का एवरेज आपको कितना दे रखा है, इनका एवरेज आपको दे रखा है, तीन संख्याएं बटे में 3 आएगा इन सबका योग, और ये किसके बराबर होगा, एवरेज, एवरेज कितना है 95। अब आपको कुछ नहीं करना, 95 3 कितनी होगी, 5 3 15 हटा दीजिए 285, ये 285 आ गई। इस तरफ देखिए आपका क्या योग होगा, 3y और 1y 4y प्लस 3/4y, ठीक है, तो ये हो गया 4 4 16 3 19 19/4y बराबर 285 है। तो यहां से आपकी y की आराम से वैल्यू आ जाएगी, 19 पहाड़ में एक बार और 95 5 बार, चौका ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा y आ जाएगा 15 चौके 60, y आ जाएगा कितना 15 चौके 60। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका उचित उत्तर है।
इसी चीज को आप अनुपात से भी कर सकते हैं, कोई हानि नहीं है, उत्तर उससे भी आपका 60 ही आएगा, उत्तर उससे भी आपका 60 ही आएगा। आइए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। यदि फ्रेंड को कोड भाषा में HUMJTK लिखा जाता है तो कैंडल को कैसे लिखा जाएगा? आइए देखिए, FRIEND, ठीक है, यहां पे क्या लिखा है, CAN, माफ करिएगा, HUMJTK। हम सभी को पता है F कितना होता है 6, यहां क्या बन गया 8, यानी कि प्लस 2 हो गया। R कितना होता है 18, बन कितना गया U, यानी कि 21, प्लस 3 हो गया। तो कुछ इस तरीके से चल रहा है, प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यहां पे देखिए 9 है, यहां पे कितना बन गया ये 13। तो अब हमें पता चल गया प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 चल रहा है, ठीक है। आपको मैच करना है तो आप देखिए ये 4 है और ये कितना है K, यानी कि 11, यहां प्लस 7 हो गया, तो अवश्य यहां पे प्लस 6 और प्लस 5 प्लस 6 और प्लस 7 हुआ होगा, ठीक है। तो इसी के आधार पे आपसे पूछा है, बताइए कैंडल का क्या वैल्यू है, CANDLE। तो हम सभी को पता है पहली चीज 3 है, ये प्लस 2 हो जाएगी, तो यहां पे क्या आएगा E, 5। E से चालू होने वाला उत्तर, ये दोनों नहीं हो सकता, ठीक है। A है यहां पे 1, ये कितना हो जाएगा प्लस 3, यानी कि यहां पे बन जाएगा 4। 4 किसको कहते हैं, हम D को, तो E के बाद D आना चाहिए, ऑप्शन नंबर A आपका उत्तर सही है, क्योंकि यहां E के बाद ऐसा आ रहा है, जबकि आपका उत्तर क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर A, E के बाद D। आप चाहें तो पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं इसी लॉजिक के तहत, प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, ठीक है, चल गया, बहुत बढ़िया। अब नीचे एक प्रश्न है, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं क्या है। वेन डायग्राम का प्रश्न है, ये काफी कम बच्चों से बनी है ये वाली सारी चीजें, ठीक है, क्योंकि बच्चा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्या नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था बच्चा, ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वेन डायग्राम का एक ठीक ठाक क्वेश्चन हमें मिल जाएगा। देखिए है बहुत आसान, कुछ छात्रों ने बनाया भी है और कुछ छात्रों ने नहीं भी बनाया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम समझते हैं कि कैसे हमें इसमें काम करना था, ठीक है। आइए, 120 छात्र हैं एक स्कूल में, जिसमें से 5% छात्र ऐसे हैं जो तीनों गेम खेलते हैं, तीनों गेम खेलते हैं, यानी कि क्रिकेट भी खेल रहे हैं, चेस भी खेल रहे हैं और कैरम भी खेल रहे हैं। होते हैं लोग, टैलेंटेड होते हैं, सब काम करते हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। यहाँ पे आइए देखिए क्या क्या लिखा है, 5% लोग 120 में से, तो देखिए 5% तो अभी हमने देखा था कितना होता है 1/20, तो 120 का 5% कितना होगा 6, तो 6 लोग तो 120 में से ऐसे हैं जो सारे गेम खेलते हैं। तीन गेम है तो मैं तीन सर्कल बना देता हूं, 1, 2 और 3, ठीक है, ये मैं बोल देता हूं चेस, ये हो गया आपका कैरम और ये हो गया आपका क्रिकेट, ठीक है। तो 6 तो यहां पे लोग आ जाएंगे आपके, कहां पे, यहां पे, यहां पे कितने लोग आएंगे 6, ठीक है। आइए, अब आप सभी को पता है यहां पे क्या बोला जा रहा है इसके बाद, कि if so happens that the number of player who can play any and only two games, यानी कि यदि ऐसा होता है कि कोई भी और केवल दो खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 30 है, यानी कि अब आप देखिए कैरम और चेस ये दोनों साथ में खेलने वाले लोग कहां होंगे, यहां पे होंगे जहां अभी मेरी पेन चल रही है, ठीक है, और ये वैसे छात्र होंगे जो केवल दो गेम खेल रहे हैं। कहीं ना कहीं क्रिकेट और कैरम खेलने वाले छात्र कौन से होंगे, ये जो ये केवल दो गेम खेल रहे हैं, इन दोनों सर्कल यानी इन दोनों वृत्त का हिस्सा ये साथ में होंगे। चेस और कैरम वाले भी तो ऐसे छात्र हो सकते हैं जो केवल दो गेम खेल रहे हैं। तो ये तो जहां जहां पे अभी मैंने यहां ड्राइंग की है, इन सब में मिला के कुल कितने लोग हैं 30, इन सब में मिला के कुल कितने लोग हैं 30, ठीक है, तो ये मिला के कुल कितने लोग हैं 30, ये तीनों जगह मिला के लोग कितने हुए 30, ठीक है। अब देखिए यहां पे आगे क्या लिखा है, केवल अकेले क्रिकेट खेलने वाले लोगों की संख्या 40 है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये पूरे छात्र कितने होंगे जो यहां पे बटे हुए होंगे 120, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पूरे 120 छात्र बराबर किसके हैं, ये पूरे के पूरे 120 छात्र कितने हैं, कुछ ना कुछ गेम खेल रहे हैं सब, तो 40 तो ऐसे हो गए जो क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, 30 छात्र तो ऐसे हो गए जो कुछ ना कुछ गेम खेल रहे हैं, कुछ ना कुछ यानी कि जो दो गेम खेल रहे हैं, केवल दो गेम खेल रहे हैं, तो 30 तो ये वाले लोग हो गए, इसको आपने निपटा दिया, इसको निपटा दिया, इसको निपटा दिया, इसको निपटा दिया, इन 6 को निपटा दो, ये भी निपटा दिया, अब कौन बचे, अब आप देखो सिर्फ ये लोग बचे जो केवल चेस खेलेंगे, ये लोग बचे जो केवल कैरम खेलेंगे, और हमसे क्या पूछा गया है कि वही संख्या आपको ज्ञात करनी है, पता करनी है, जो केवल चेस या केवल कैरम खेलते हैं, बस केवल चेस या केवल कैरम, यानी कि सिर्फ एक गेम, केवल या तो चेस, केवल या तो कैरम,
तो ये वाली भी चीज क्या आएगी हमारी जो हमें निकालना है, ये वाली चीज और ये वाली चीज, ये बच गई है यहाँ पे, वही अब हमें निकालनी है। ठीक है, ये वो लोग हैं जो हमें रिक्वायर्ड है, यानी कि केवल चेस या केवल कैरम, तो पूरे 120 लोग, 40 30 6 कितना हुआ ये 76, ये हो गया 120, और ये वो लोग हो गए जो हमें रिक्वायर्ड है, जो हमें निकालने हैं। ठीक है, तो 76 इस तरफ ले आइए, 120 में से 76 चला कितना बचेगा 44, तो 44 लोग ऐसे होंगे, 44 छात्र ऐसे होंगे जो केवल या तो चेस खेल रहे हैं या केवल कैरम खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है अब ये बात हमारे लिए स्पष्ट हो गई होगी। ठीक है, तो आपको रटना नहीं है कि यार फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले कितने याद रखोगे, फॉर्मूले किसी काम के नहीं होते, आपको चीजें समझने आएगी, आप ड्राइंग को बनाएंगे, देखेंगे एक एक लाइन पढ़ के कि क्या बोलना चाह रहा है, जितना आप अभ्यास करेंगे उतना आप कम फॉर्मूले अपने साथ पेपर में लेके जाएंगे और उतना आसानी से आप आंसर निकाल पाएंगे एक लॉजिक के तहत, एक सोच के तहत। ठीक है, आइए देखिए और क्या प्रश्न थे। इन अ रो ऑफ बॉयज इफ ए हु इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी हु इज 9th फ्रॉम द राइट। ठीक है, देखो लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो बाएं से 10वां है और बी जो दाएं से 9वां है आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी कि इंटरचेंज वाला प्रश्न है, बहुत आसान होता है, इसके शॉर्टकट पढ़ा रखे हैं। ठीक है, तो शॉर्टकट के तहत तो अगर मैं आपको कहूं यहां पे क्या होगा, 15 और 9 इज इक्वल टू टोटल प्लस 1, तो शॉर्टकट के तहत बोलूं 24 इज इक्वल टू टोटल प्लस 1 हुआ, टी आ जाएगा आपका 23। और ये शॉर्टकट जो हमारे से छात्र पढ़े हुए हैं उनको पता है कि हम कैसे बोल रहे हैं, परंतु अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समय लेके समझा देता हूँ कि 23 उचित उत्तर है। कैसे आएगा ध्यान से देखिए, ए यहाँ पे बैठा है बाएं से 10वां, यानी कि लेफ्ट तरफ से, दुनिया का लेफ्ट कोना अभी ये है, राइट कोना अभी ये है। ठीक है, तो ये बाएं से 10वां बैठा है ये, यानी कि एक कुर्सी पे बैठा होगा अवश्य ही, और ये कुर्सी क्या है 10वीं है, कहां से, बाईं तरफ से, जबकि जो बी है वो दाईं तरफ से, यानी कि इस कोने से 9वें पे बैठा है, बी यहां कहीं बैठा है कुर्सी पे 9वें कोने में। ठीक है, आइए आपस में अपनी जगह अदला बदली करते हैं। अब आप बताइए, आप अपने दोस्त के साथ जगह अदला बदली करेंगे तो कुर्सी लेके थोड़ी भागेंगे, कुर्सी तो वहीं की वहीं पड़ी रहेगी। ठीक है, आप अपने आप को उठा के भागेंगे, कुर्सी वहीं की वहीं, तो कहीं ना कहीं ए जिस कुर्सी में बैठा था वो कुर्सी अभी भी यहीं है, यहां पे बस आके कौन बैठ गया, बी। अब बी जो पहले कुर्सी में बैठा था वो कुर्सी अभी भी वही है, आके कौन बैठ गया, बस ए। ठीक, ये बात स्पष्ट हो गई। अब जब अदला बदली हो जाती है उसके बाद हमें क्या पता चलता है कि जो अब ए है, जो अब ए है, ठीक है, वो 15वां हो जाता है बाएं से, जो अब ए है वह क्या हो जाता है, 15वां हो जाता है बाएं से। तो अब कहीं ना कहीं आप देखिए ए आके बैठा कहां है, बी की कुर्सी में ही बैठा है, कहीं ना कहीं इस कुर्सी का राइट से यानी कि दाएं से जो जोड़ था वह कितना था 9, कहीं ना कहीं उसी कुर्सी पे अब ए आके बैठ गया, कुर्सी वही है, इसका जो लेफ्ट से यानी कि बाएं से जो जोड़ है वो कितना है 15। तो इस कुर्सी के संदर्भ में मैं अगर आपसे कहूं तो मुझे मालूम है राइट प्लस लेफ्ट बराबर कितना होगा, कुल कुर्सियां यानी कि टोटल जमा 1। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखा है, ये हर एक बच्चे को पता रहना चाहिए। कहीं ना कहीं 15 जमा 9 किसके बराबर हुआ 24, और ये 24 किसके बराबर है, टी प्लस 1, तो टी कितना होगा, इस एक को इधर ले आइए, तो 24 माइनस 1। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बनाया जा रहा है, परंतु ये शॉर्टकट हमने क्लास में पढ़ रखा है जिससे आपका महज 10-5 सेकंड में आंसर ऑप्शन नंबर ए 23 आ जाता। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं और क्या प्रश्न है। यहां पे लिखा है एक सांकेतिक भाषा में 1-3-4 का अर्थ है अच्छा और स्वादिष्ट, 4-7-8 का अर्थ है अच्छा चित्र देखें, 7-2-9 का अर्थ है चित्र धुंधला है, निम्नलिखित में से कौन सा अंक देखे को दर्शाता है। देखिए देखें सिर्फ यहां पे है, ठीक है, कहीं ना कहीं चित्र यहां पे है तो चित्र का कोड कट जाएगा, यानी कि 7 और 7 कट गया। ठीक है, आप देखिए अच्छा कहां है, अच्छा जस्ट इसके ऊपर है, 1-3-4 में कुछ कॉमन है, 4 और 8 में 4 और 4 कट गया, बचा क्या सिर्फ 8, तो ऑप्शन नंबर बी 8 आपका उचित उत्तर है, जो देखें को दर्शाता है। आपसे कोई ये पूछ लेता चित्र किसको दर्शाता है तो चित्र 7 को दर्शाता था, अच्छा किसको दर्शाता है तो अच्छा 4 को दर्शाता था, तो ये सारी विकल्प इसमें आपसे पूछे जा सकते थे। बहरहाल देखें के लिए 8 सबसे उचित उत्तर यहां पे था। ठीक है, आइए देखते हैं और प्रश्न। यहाँ पे कुछ नीचे छूट रहे हैं क्या प्रश्न, देखिए ये छूटा एक प्रश्न। ठीक है, आइए
ठीक है, क्या हुआ था, एक पिछली रिकॉर्डिंग भी हम कर रहे थे उसमें यह चीजें जूम नहीं थी तो उतनी अच्छे से विजिबल नहीं हो रही थी, उतने अच्छे से दिख नहीं रही थी, पर हम चाहेंगे कि जो भी कंटेंट आपके लिए बने वह बेस्ट क्वालिटी में बने, हर चीज बच्चे को दिखाई दे, ठीक है। थोड़ा जूम हम इसीलिए करके चल रहे हैं, तो थोड़ी तकलीफ अगर मुझे होती भी है तो मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, आपको चीजें बेहतर तरीके से दिखनी चाहिए और समझनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए एक पासा है, ठीक है, इसमें क्या है, सारी संख्याएं दी हुई हैं, परंतु आपको पता है हमें ऐसी अगर सतह मिल जाए जहां पे सिर्फ एक सरफेस कॉमन हो, सिर्फ एक सरफेस कॉमन हो, यानी कि केवल एक सतह समान हो, तो वहां से आपको सब कुछ पता चल जाता है। यहाँ पे आपसे पूछा है बताइए एक के अपोजिट क्या है, ठीक है, एक के अपोजिट क्या है, आप चाहें तो तीनों ड्रॉइंग का चयन कीजिए, परंतु जब दो सतह कॉमन होती है तो हमें सारी सतहों की जानकारी नहीं मिलती है, परंतु जब हम ऐसी ड्राइंग का चयन करते हैं जहां सिर्फ एक सतह कॉमन होती है, एक सरफेस कॉमन होती है, तो हमें सब कुछ जानकारी मिल जाती है। तो पहली ड्राइंग और दूसरी ड्राइंग को अगर आप देखेंगे ए और बी को, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे क्या है, तीन और तीन कॉमन है, एक और दो, चार और पांच विपरीत हो गए, ठीक है। तो जब एक सतह कॉमन मिल जाती है तो तीन, इसके बाद हम आगे लिखेंगे क्या लिखा है, दो, उसके आगे क्या लिखा है, एक, तीन दो एक, यहां पे भी उसी क्रम में लिखेंगे, तीन से चालू करेंगे, उसके आगे क्या लिखा है, चार, और चार के आगे क्या लिखा है, पांच। तो अब आपसे अगर पूछा है कि एक के सामने क्या है, तो आपको पता है एक के सामने पांच है, ऑप्शन नंबर सी, एक के सामने क्या है, पांच है। आपसे यह भी पूछ सकता था दो के सामने क्या है, तो दो के सामने चार होता। आपसे यह भी पूछ सकता था कि तीन के सामने क्या होगा, तो जो सतह नहीं दिख रही है वह तीन के सामने होता है, यानी कि छह। बात स्पष्ट है, तो ये बहुत ही आसान होता है पासा क्यूब जो से हम कहते हैं, ठीक है। आइए देखिए और क्या क्या प्रश्न थे। इन अ फैमिली देयर आर सिक्स मेंबर ए बी सी डी एंड ई एंड एफ, यानी कि छह लोग हैं इस परिवार में। आगे पढ़ते हैं क्या है, ए और बी एक विवाहित जोड़ा है, तो ए और बी को तो आप ऐसे बना लीजिए बड़े आराम से, ए उसमें मर्द है यानी कि बी कहीं ना कहीं महिला रही होंगी, डी जो है इकलौती संतान है सी की। अब देखिए डी भी नहीं पता हमें और सी भी नहीं मालूम कहां है इनके संदर्भ में, ठीक है, और पर सी जो है वो क्या है, ब्रदर है ए का, तो सी जो है इसका भाई है, भाई है तो मर्द रहा होगा, मर्द है और इसका क्या है, एक बेटा है, इसका एक बेटा है, कौन, डी, इसका एक बेटा है और बेटा एक ही है, बेटा एक ही है, ओनली सन है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, ई इज द सिस्टर ऑफ डी, तो डी की कहीं ना कहीं एक बहन है जिसे हम ई का नाम दे रहे हैं, और ये बहन है तो एक फीमेल होंगी, महिला होंगी। बी जो है डॉटर इन लॉ है एफ की, बी जो है वह क्या है, डॉटर इन लॉ, यानी कि ये बहू है किसकी, एफ की। अब बी किसकी बहू होगी, बी उसकी बहू होगी जो बी का पति की मम्मी होगी या बी का पति का पापा होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं सी और ए के फादर या मदर में से कोई एक जन रहा होगा, कौन, ब्रदर ऑफ ए इज सिस्टर ऑफ डी, डी एफ, एफ कौन रहा होगा, एफ ऐसा कोई इंसान रहा होगा जो ए और सी का माता या पिता रहा होगा, ठीक है। उनकी ये दो संतानें सी और ए हैं, और इनकी एक संतान ए है, इसकी पत्नी बी है, तो एफ के लिए बी क्या लगी, एक बहू लगी, ठीक है। आगे लिखा है हुज हस्बैंड हैज डाइड, यानी कि एफ का हस्बैंड मर चुका है, तो एफ खुद एक वाइफ रही होंगी, इनका हस्बैंड शांत हो चुका है, तो एफ कौन है, सी और ए की मम्मी है, एफ कौन है, सी और ए की मम्मी है, ठीक है, माता है। हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, ई का सी से क्या लेन देन है, ये तो बहुत आसान है, यहां तो हमें इतना बनाने की जरूरत ही नहीं थी। ई का सी से क्या लेन देन है, ई का सी से ये लेन देन है कि ई क्या लगी सी के लिए, बेटी लगी, और सी क्या लगी ई के लिए, माँ लगी। आपसे क्या पूछा है, हाउ इज ई, यानी कि ई कैसी लगी सी के लिए, बेटी लगी, यानी कि डॉटर आपका उचित उत्तर है, ठीक है। जिसके बारे में पूछा जाता है आपको उसकी जगह खुद को रख के सोचना है। आप इस खानदान में अगर ई है तो आप क्या है, एक बेटी है कि माता है, आप एक बेटी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी डॉटर सही उत्तर। देखिए नीचे एक गणित का फिर प्रश्न आया था, दो संख्याओं का एलसीएम 225 है, ठीक है, और उन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है, ठीक बात है। यदि इन दो संख्याओं में से एक संख्या 75 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये तो बहुत आसान प्रश्न है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम सभी को पता है जब हमने एलसीएम एचसीएफ पढ़ा है तो एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर किसके होता है, दोनों संख्याओं की गुणा, यानी कि N1 और N2, अगर वो दो संख्याएं हैं। एलसीएम दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है 225, एचसीएफ दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है 5, बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 25 और जो भी दूसरी संख्या रही होगी हमें नहीं मालूम, जो हमें निकालना है, ठीक है। 5 से 25 कटेगा, 5 बार कटेगा, ये 5 इस 225 को काटेगा क्या, हाँ, 4 बार काटा 20 हो गया, 2 और 5 5,
45, यानी कि ये जो दूसरी संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 45, ऑप्शन नंबर डी। हिंदी वाले में वह नहीं दिख रहा है इसके कारण, परंतु ऑप्शन नंबर डी 45 आपका उचित उत्तर होगा। 45। आइए अब एक दो प्रश्न और बचे हैं, फटाफट इनको भी निपटा देते हैं। ठीक है, इन द पिक्चर बिलो विच लेटर बी यूज इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। ये सबसे आसान प्रश्न था। देखिए, कोडिंग डीकोडिंग यानी कि जो अक्षर वाली चीज है उसके लिए हमने क्लास में बहुत कुछ पढ़ा है। आपको यह याद हो जाएगा कि कौन सा अक्षर की संख्या कितनी है। ठीक है, आप देखना चालू करिए, डी और डब्ल्यू लिखा है यानी कि ये चार के सामने क्या लिखा है? 23। आप अंग्रेजी वर्णमाला में देखेंगे तो डी के जस्ट सामने आप अपोजिट बोल लीजिए क्या आता है? डब्ल्यू, यानी कि 4 और 23। इसी तरीके से जब आप ए का चयन करते हैं तो ए के अपोजिट क्या आता है? जेड, यानी कि उसके सामने क्या होता है? 26। तो हम सभी ने यह पढ़ रखा है, जब भी इन दो संख्याओं का जोड़ अगर 27 है तो वह कौन सी संख्याएं हैं? आमने सामने की। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर m की मैं बात करूं और n की बात करूं, ये हम सभी को पता है आमने सामने की संख्या होती है, कितना होता है? 24, यानी कि योग कितना है? 27। ये छोटी छोटी बातें हम सभी को अगर पता है तो यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं, डी के सामने डब्ल्यू है, ये 20 है, ये 7 है। ठीक है, 4 23 27, 7 और 20 27, जे कितना होता है? जे आपका 10 हो गया, 17 हो गया, क्यू ये भी 27, ये कितना है? एल, यानी कि ये होगा आपका 12। 12 में आप ऐसा क्या जोड़ेंगे जो 27 मिले? यानी कि 15 जोड़ना पड़ेगा। 15 किसको दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि ओ को दर्शाता है। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न था ये भी। चलिए आइए देखिए यहाँ पे आगे क्या पूछा है। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, यानी कि 132, 156, 210, 240 और 256। आइए, यहां पे देखिए मैं आपको दो तीन लॉजिक बताता हूं। ठीक, सबसे पहली बात, ठीक है, जो हम देख रहे हैं, हर एक जन देख रहा होगा कहीं ना कहीं, 32 और 56 अंतर कितना हुआ? 24। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न चिन्ह है, हमें नहीं मालूम। 210 और 240 में अंतर कितना हुआ? 30। 240 और 272 में अंतर? 32। तो कहीं ना कहीं अगर इन अंतरों का चलन देखेंगे हम तो हमें पता चलेगा, अगर यहाँ 32 है, यहाँ 30 है, तो यहाँ 28 रहा होगा और इन दोनों के बीच में क्या रहा होगा? 26। तभी जाके आप ये स्पष्ट कर पाएंगे कि देखिए अंतर दो दो से घट रहा है, इस तरफ अगर हम बाई तरफ आ रहे हैं तो 26 से 2 कम यहाँ 24 रहा होगा, जो कि हमें दिख रहा है। तो ये तो बहुत आसान हो गया था ऐसे निकालना कि 156 में 26 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 182। यहां से भी आप निकाल सकते हैं, आप ऐसे देखते हैं कि 210 में मैं 28 कम करूंगा तो क्या मिलेगा, तो 182 आप इस तरफ से भी निकाल सकते थे। दोनों तरफ से यह बात लागू है, परंतु मैं आपको हमेशा एनालॉजी यानी कि सादृश्यता हो या सीरीज हो, पैटर्न हो, मैं आपको हमेशा एक चीज पे तवज्जो देता हूं कि इस चीज को आप ज्यादा अपने जहन में लाएंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और वो चीज क्या है कि हर एक नंबर को यानी कि हर एक संख्या को अगर हम वर्ग और घन में देखने की आदत बना लेंगे तो हमारे लिए जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, देखिए 132 को आप ऐसे देख सकते थे, 12 का वर्ग -12 यानी कि 144 -12, ये क्या हुआ? 13 का वर्ग -13 यानी कि 169 -13। तो यहां पे क्या आना चाहिए? यहां पे आना चाहिए 14 का वर्ग -14, कितना होगा? 14 का वर्ग होता है 196 -14 182। तो ये एक अच्छी और बेहतर सोच थी। दोनों सोच अपनी अपनी जगह सही है, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, परंतु आप जितना घन और वर्ग को प्रैक्टिस करते जाएंगे चीजें आपको उसके तहत दिखेंगे। आप आगे भी ये चीज लागू करा सकते हैं। देखिए ये क्या होगा? 15² - 15 225 - 15 210, और इसी तरीके से आप आगे चल सकते थे, कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। ये 16 वर्ग -16 है, 256 - 16 240, ये कितना आएगा? 17, यानी कि 289 - 17 272 मिल रहा है। तो ये भी एक पैटर्न, अच्छा पैटर्न था। आइए देखते हैं, एक आध प्रश्न और बचा होगा तो बिल्कुल बचा है। क्या प्रश्न है ये? ये देखिए, ये पासे का प्रश्न है, बहुत आसान होते हैं पासे, अभी तक हम सभी को समझने आ गए हैं। यहां देखिए एक ही सतह कॉमन ही दी हुई थी, बहुत आसानी से हम इसको कर सकते थे, क्या करेंगे यहां पे देखिए, चयन करते हैं। आपसे पूछा है विच नंबर विल अपियर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विद नंबर 5।
पांच के सामने क्या होगा? देखिए ये बहुत आसान हो गया, आपको कॉमन सतह दिख गई, एक ही कॉमन सतह है, तीन और तीन, बाकी एक पांच दो छह विपरीत हो गए, ठीक है? तो तीन तीन यहां पे दिख गया, तो तीन के बाद हम आगे जाएंगे हमें क्या मिलेगा? पांच, पांच के बाद हम आगे जाएंगे हमें क्या मिलेगा? एक, यहां पे भी उसी क्रम में लिखिए, तीन के आगे जाएंगे आपको क्या मिलेगा? छह, छह के आगे दो, तो पांच के सामने क्या आ रहा होगा? पांच के सामने अवश्य ऑप्शन नंबर सी छह रहा होगा, ठीक है? तो पासे हर एक टॉपिक बहुत आसान है, प्रश्न पेपर में बहुत आसान थे। वेन डायग्राम का एक प्रश्न था जो हमारे यहाँ छात्रों ने, कुछ छात्रों ने गलत किया या छोड़ के आए हैं, परंतु कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चीजें कुछ बनती हैं, कभी कभार नहीं भी बनती है प्रेशर के कारण, ठीक है? अमूमन बच्चों का पेपर अच्छा हुआ है, जो देख के मुझे भी बहुत खुशी हुई है, ठीक है? और आपको भी मैं समझता हूं यहाँ पे कि बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश पूरी की गई है, ठीक है? अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक करिएगा इसे, डेफिनेटली, और आगे हम ऐसी ही प्रेजेंटेशंस आपके लिए लेके आएंगे। तो ये भी वही प्रश्न हो गया अपने में ही, प्रेजेंटेशन हो गई, अब मैं क्या कर रहा हूँ? रिकमेंडेशन कर रहा हूँ आपको, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं, ठीक है? ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट आगे के लिए भी, चलिए।